बी अ गुड गाय ये एक एक्शन कॉमेडी रोमांटिक मूवी है। इस मूवी में बुरे लोगों का एक ग्रुप दिखाया है जिसे सभी लोग डरते हैं। एक दिन उनके सरदार की याददाश्त चली जाती है और लोग उसकी याददाश्त वापस लाने की भी कोशिश करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इसकी याददाश्त चली गई है, इस बात का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। लोग उसे उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में झूठ बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो एक अच्छा आदमी है। तो दोस्तों, इस सब के बाद मूवी में क्या होता है और क्या इसकी याददाश्त वापस आएगी या नहीं, इसी के बारे में ये मूवी है। एक एक्शन कॉमेडी मूवी के हिसाब से इसकी स्टोरी डिसेंट है। डायरेक्शन मुझे बहुत बढ़िया लगा और परफॉर्मेंसेस भी जेन्युइन लगते हैं। इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप भी किया है, तो कैरेक्टर्स के साथ आप कनेक्ट हो पाते हो और सभी कैरेक्टर आपको पसंद भी आते हैं। हालांकि मूवी की एडिटिंग में मुझे गड़बड़ लगी, लेकिन बाकी सब कुछ डिसेंट है। मूवी की कॉमेडी ऐसी भी नहीं है कि आपको बहुत ही हंसाएगी, बस पूरी मूवी देखते वक्त आपके चेहरे पर स्माइल रहती है और एक दो जगह पर आपको थोड़ी बहुत हंसी आ जाती है। एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर उनमें भी कॉमेडी ही चलती है। मूवी का रोमांटिक एंगल मुझे पसंद आया और मूवी को आप पूरा देख पाते हो। यह आदमी बाद में इतना अच्छा बन जाता है कि वो दूसरों की मदद भी करता है, ये सब कुछ देखने में मज़ा आता है। यह लगभग 1 घंटा और 28 मिनट की मूवी है और कहीं पर भी आपको बोर नहीं करती। मूवी की प्रोडक्शन डिजाइनिंग बहुत बढ़िया है और कॉस्ट्यूम्स भी मुझे पसंद आए। सिनेमाटोग्राफी अच्छी है और स्क्रीन प्ले भी मुझे एंगेजिंग लगा। हिंदी डबिंग ठीक थी और इसमें कोई एडल्ट सीन नहीं है, तो इसे आप फैमिली के सामने देख सकते हो। प्रो ऑडियंस को ये ठीक लगेगी और ओवरऑल ये एक डिसेंट और वॉचेबल मूवी है। बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के इसे आप एक बार देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, मैंने एबिगेल मूवी का रिव्यू भी किया है जो एक बढ़िया हॉरर मूवी है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। 'Cause I've been living life, right, like I could just die.